वहीं हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर देहरादून सचिवालय कूच किया, जिनको सचिवालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे अरसे से हम अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है, जिसके कारण हमें आज मजबूरन सचिवालय कूच करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से एक निश्चित मानदेय मांग की है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो आज हमने कूच किया है, मेन उद्देश्य यही है कि जो 5-6 साल से 2005 से जो है अभी तक कोई भी इनकी जो प्रोत्साहन राशि है वह रिवाइज नहीं की गई, उसे 10 गुना किया जाए और आशा फैसिलिटेटर को 24,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया जाए और आशा कार्यकर्त्री को 18,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया जाए। बहुत लंबे समय से आशा बहनों की समस्याओं को लेकर, उनकी लगभग मेरे ख्याल में कई वर्षों से ये अपने मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, मगर सरकार कोई उसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत लंबे समय से भारतीय मजदूर संघ भी ये प्रयास कर रहा है कि सरकार से एक वार्ता हो और कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में कुछ उनका निस्तारण कर्मचारियों की समस्या को हो, मगर सरकार भी हमसे वार्ता करने को बिल्कुल इच्छुक नहीं है। विचारों की सरकार होने के बाद भी हमें कोई प्रायोरिटी सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। हमारी यही है कि हम 2005 से आशाओं को नियुक्त किया गया था, तो केवल दो चीज पर हमारे को नियुक्त किया गया था, मात मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। पर आज के समय में हमारे ऊपर इतना लोड पड़ा हुआ आशाओं की, कोई भी काम हो वो एनजीओ का हो, WHO का, स्वास्थ्य विभाग का हो, कोई भी काम हो वो DM के अंडर के काम हो, कोई भी, जैसे कि वोटर ID बनाने का वो आशाओं को काम हुआ, ORS के घोल जैसे डायरिया चलेगा, कोरोना काल में जब इतने काम आशाओं को दिए गए, तो हमारा यही है कि हमारे को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, 18,000 रुपए प्रति माह मानदेय किया जाए। इसके साथ हम बहुत ज्यादा मजबूरी में आए हैं, वैसे हमने आना नहीं था, हमने प्यार से सरकार को समझाने की कोशिश की है, बड़े विनम्रता से हर बार समझाने की कोशिश करें और हम जब हम विवश हो गए हैं तो हमें यहाँ पे आना पड़ा है।